तो क्या वो वक्त आ गया, क्या एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हो गया? मेरा ख्याल अभी नहीं नहीं हुआ. माई सेंस इज कि अभी भी इट मे बी टैक्टिकल, बट आई होप आई एम रॉन्ग. इससे बड़ी बात नहीं हो सकती अगर ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ जाए तो. ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री तारीख तब्दील हो जाएगी. वी विल एक्चुअली बिकम नॉर्मल कंट्री, बट अंटिल देन आई अवेट एविडेंस. वर्ड्स इज नॉट इनफ, आई वांट एविडेंस. बिल्कुल, आपने बड़ी अहम बात कही कि ये नॉर्मलसी, तरक्की, खुशहाली, इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोइंग कंट्री, इनर कंसेंसस, ये मौजूदा जो हालात हैं उससे निकलने का यही तरीका है. एक हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आपसे ये पूछ रहे हैं, और ये चूंकि थोड़ा सा अनरिलेटेड है, वो जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या वो बच जाएंगे. जस्टिस काजी फायज ईसा, ये 5-6 नाजरीन ने मुझे कहा है, मैं उनके नाम अभी पढ़ूंगा तो फिर मुझे पीछे जाना पड़ेगा. आप कोई कॉमेंट दीजिए. साद अली हैं जो उन्होंने भी ये पूछा है. देखिए काजी साहब का केस तो बड़ा स्ट्रांग है, मगर एस्टैब्लिशमेंट का भी केस उनके खिलाफ बड़ा स्ट्रांग है, और हमारी जुडिशरी इज वीक. इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आपको. बिल्कुल, काफी कुछ कह दिया आपने. सो अच्छा, मुझे ये बताएं एनएस, मुझे आप ये बताएं, मैं आगे बढ़ते हैं, और ये आप मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर भी, एक बड़ी अहम चीज है कि देखिए ये जो इस्तीफों की स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी पीडीएम की मैं बात कर रहा हूँ कि इस्तीफों पे जो खड्डा, क्या गारंटी है कि तो हाउस जो है वो आपकी आवाज की तरह, क्योंकि देखिए बात यह है कि जिस पीडीएम जिससे सफरा है इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट से, उनके पास बहुत सारे और ट्रिक्स हैं स्लीव, इन देयर स्लीव. तो जरूरी नहीं कि ये इससे कोई पॉलिटिकल चेंज फौरी आ जाएगी. ये भी बहुत सारे लोग ये पूछ भी रहे हैं. सारी बात है, वो पीपीपी के प्रो जो है हमारे देखने वाले, वो ये सवाल पूछ रहे हैं. सखी साहब, मैं इसमें इजाफा कर देता हूँ. जो पीपुल्स पार्टी का जो बयानिया है वो ये है कि ये एक बहुत ही सियासी नापुख्तगी की हिकमत अमली है. अभी तक हमने पीडीएम को एक सही सिम्प में डाला है. पहले तो ये ज़मीनी इंतखाबात भी नहीं लड़ना चाहते थे, सेनेट के इंतखाबात भी नहीं लड़ना चाहते थे. अब जब हमने इनको इस रास्ता दिखाया तो देखा आपने उससे फ़ायदा हुआ. इमरान सरकार जो है वो डिफेंसिव हुई, उनको अपनी पड़ गई, और जिस तरीके से गिलानी जीते, ये एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस था. अगर एस्टेब्लिशमेंट इनकी मदद ना करती तो ये उड़ गए थे. तो ये जो इस्तीफों का जो रास्ता है, ये खुदकुशी का रास्ता है, क्योंकि इसके नतीजे में कुछ नहीं होना. वो चाहें तो 6 महीने तक इसको मुलतवी कर सकते हैं, हम नहीं एक्सेप्ट करते. जैसे पिछली दफ़ा पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे तो वो एक्सेप्ट नहीं हुए थे, और अगर हमने करने भी हैं तो अगर ज़मीनी इंतखाबात ही कराने हैं तो हम लंबा अरसा लगा ले सकते हैं, और हम इनको इस अरसे में तोड़ भी सकते हैं. पीटीआई, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत गिरा सकते हैं और इनको कमज़ोर कर सकते हैं. तो ये एक नाकाम हिकमत अमली है. बेहतर ये होगा कि हम इन पे हर तरफ से दबाव रखें, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, धरने शरने ये भी जारी रखें, और इनको इतना डिस्क्रेडिट करें, डेथ बाय 1000 cuts, के अगर ये मुद्दत अपनी पूरी भी करते हैं तो ये इतनी कमजोर हुकूमत हो के सिलेक्टर, सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड दोनों डिस्क्रेडिट हों, और उसके नतीजे में एक मजबूत एक जो है वो हुकूमत मुस्तकबिल में बने. ये एक बयानिया है. जी यही तो बयानिया है कि हमने नहीं चलने देना, ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे. हमें नहीं फर्क पड़ता इकोनॉमी क्रैश करती है क्या होता है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू अस, वी विल डू एवरीथिंग इन आवर पावर. ये फलसफा ये है ना कि हम नहीं चलने देंगे, हम डिस्टेबलाइज करके रखेंगे. आप कहते हैं ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, हम समझते हैं ये नेशनल इंटरेस्ट के हक में, बिकॉज हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, रिस्टोर द कॉन्स्टिट्यूशन. उससे बड़ा कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं हो सकता. इदारे अपने अपने दायरे में रहे वगैरह वगैरह. तो अब तो ये चलेगा ना, और जैसे आपने कहा अभी ना इकॉनमी इम्प्रूव करने वाली है, ना इमरान खान का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने वाला है, और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है ना सवाल खड़े होने शुरू हो गए. लोग सवाल तो कर रहे हैं ना,
बढ़ेंगे, ये कम नहीं होंगे। और अगर नवाज शरीफ साहब ने पूरी गंस खोल दी, जिसकी बेसिस के ऊपर सारे जेलों में जाएंगे, मेरा ख्याल है मरियम तो तैयार है, मियां साहब ने आना नहीं है, बाकी जो तैयार है वो जाएगा, जो नहीं तैयार वो नहीं जाएगा। मगर अगर हट के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फिर बराह रास्त अटैक आनी शुरू हो गई, इट्स अ टेरेबल सिचुएशन। आप नेशनल इंटरेस्ट कहाँ गया फिर? यू थिंक इन दीज सर्कमस्टांसेस इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? यू थिंक इन दीज सर्कमस्टांसेस कोई फैसले हो पाएंगे? जेलें भरी होंगी। आपको पता है इस वक्त सिचुएशन ये है कि इंडिया जैसे मुल्क के ऊपर ईयू ने ये कहा है कि हम आपकी फैसिलिटीज खत्म कर देंगे बिकॉज ऑफ रिप्रेशन इन इंडिया। अभी ईयू के एम्बेसडर जो आई हुई है वो, उन्होंने ये बयान दिया है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऑन ह्यूमन राइट्स ऑन दिस एंड दिस मीडिया फ्रीडम वगैरह 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 ये टेरिबल, ठीक करें इसको। बाइडन की जो स्टेट डिपार्टमेंट की वापस ह्यूमन राइट्स के ऊपर इश्यूज बनने शुरू हो जाएंगे, तो इंडिया का सॉफ्ट इमेज इज टेकन अ बैटरिंग। अगर इंडिया के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी आंखें दिखा सकती है, आप अगर इस किस्म की यहाँ हरकतें करेंगे तो आपका ख्याल है इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप करके बैठी रहेगी कि शाबाश शाबाश? वो जमाने गए जबकि उनको आपकी सख्त जरूरत थी, जिसके बगैर उनका काम नहीं चलता। अब तो उनको सिर्फ आपकी जरूरत है तालिबान को संभालने की, और वो आप संभाल नहीं सक रहे, इसलिए अब वो डील्स भी खत्म हो रही हैं अफगानिस्तान में। आपका क्या ख्याल है ये FATF जो है यार, आपने क्या नहीं किया? मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने दुनिया का कोई मुल्क नहीं है उससे ज्यादा इकदाम नहीं उठाए किए अभी तक। आप ग्रे में है जी, बिल्कुल में। तो ये क्या वजह है? ये रखा हुआ है अमेरिका ने आपके ऊपर, इंडिया ने आपके ऊपर, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपके ऊपर, तो ये नहीं छोड़ेंगे। वो आज उतारते हैं, आप पहले भी नून लीग के दौर में, आप एक जमाने में जरदारी साहब के दौर में भी और नून लीग के दौर में भी आप व्हाइट में आ गए, फिर ग्रे में गए, अब आप खतरा ग्रे से ब्लैक में, और आपने इतने कुछ किया है फिर भी आपको उतारने के लिए तैयार नहीं। क्यों? उधर IMF कह रही है स्टेट बैंक ऑटोनोमस करे ताकि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो हरकतें बंद करे और IMF प्रोग्राम इंप्लीमेंट करे। IMF प्रोग्राम तो तबाह कर देगा आपको इन द शॉर्ट टर्म, 2-3 साल के लिए तो यहाँ तो चीखें जो निकल रही है तो कुछ भी नहीं है, तो फिर कहाँ जाएंगे आप? तो इसलिए द ओनली वे आउट इज अ कंसेंसस। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जब इंडिया के पायलट को रिलीज करना था अभिनंदन को, तो एक मीटिंग कॉल हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें ऑपोजिशन के लोगों को बुला लिया गया था और इमरान खान साहब और आर्मी चीफ ने भी आना था उसमें। इमरान खान साहब तो आखिरी वक्त पे नहीं आए, मगर आर्मी चीफ चले गए थे, और वहाँ बहुत ही सी बात हुई थी कि हम इंडियन पायलट को रिलीज करना चाह रहे हैं, वी वॉन्ट योर सपोर्ट, आप क्रिटिसाइज ना कीजिएगा हमें। ऑपोजिशन ने कहा ओके डन। In a different situation, opposition can turn around and say, no, rejected. फिर आप क्या करेंगे? क्या आपका ख्याल है ऐसे ओके मौके नहीं आएंगे आगे? फिर आएंगे, आ सकते हैं। इसलिए careful. उस वक्त उस मीटिंग के अंदर शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, बड़ी जल्दी yes, no problem, done. हजा आसिफ बैठे थे yes, no problem, done. कल को मरियम बैठी होगी या कोई और बैठा होगा तो शायद, या ये भी आप बैठे हों तो शायद नहीं कर सकेंगे ऐसे, बिकॉज देन व्हेन ऑल बॉन्ड्स आर ब्रोकन, बिल्कुल, व्हेन ऑल एटिकेट इज ब्रोकन, व्हेन ऑल रूल्स आर ब्रोकन, फिर ये होता है ठीक है जी, फिर नेशनल इंटरेस्ट यही है कि आप फैसले हमें करने दें, आप हटें, यू ब्रॉट अस टू दिस पास। तो ये सिचुएशन एक वॉर लाइक सिचुएशन होती है। अभी एक्सटर्नल वॉर तो नहीं, इंटरनल वॉर चल रहा है, इसको बंद होना चाहिए। अगर ये वॉर होता ना PPP और PTI का, तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं थी, आई डोंट केयर, पॉलिटिक्स में ये होता है। मगर जब वॉर विद द एस्टैब्लिशमेंट होना शुरू हो जाए, देन वी मस्ट ऑल गेट इन्वॉल्व, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज द एस्टैब्लिशमेंट, एंड द एस्टैब्लिशमेंट ए हैज टू बी प्रोटेक्टेड एंड बी इट मस्ट प्ले बाय द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन so that it can be protected. ये नहीं ठीक, इसलिए I am concerned.